350-400 साल पहले आए तो पहले थे सरकार से तशीफ आवरी हुई है इस जगह पे, इस जगह पे जी जी, और इससे जो है कचहरी लगी है सरकार से। माशाल्लाह, सरकार ने ना आपने फैसला फरमाया मसला से फैसला फरमाया तो फिर 2000 अलामा डॉक्टर हाफज मियां मोहम्मद रफी साहब ने मस्जिद आर्डर उस वक्त तो लैके मस्जिद सारी जगह पाक भी गए शरीफी मशहूर है जी, ये नज़दीक कोई जानवर वगैरह नहीं होता जो स्टाफ वगैरह या ऐसी कोई मामला सरकारी कागजों को स्टैंप लेके पाक भी गई सरकार के कदम सद गई है सारा निज़ाम जो है तकरीबन 10 अरब रुपया जो है तकरीबन बन चुके हैं उसमें बगैर सरिया बगैर सीमेंट तो ये जो करो उतरा तो रहे हमें साफ करने पे और केरी ले आते इटा ने केरी और चूना जी उसके तरह जाते हैं तो ना वजी और नगर आ गए थे चूना और केरी मिक्स करके तो मिसाल आ जाता है यानी जो कोई सीमेंट वगैरह जी कोई सीमेंट नहीं से देख सकते हो ऐसा देखा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। नहीं मैं हूँ आपका मेज़बानी जहान और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक मस्जिद में जो कि जिला गुजरात के कुंजा से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर कीरा वाला गाँव है वहाँ पर ये मस्जिद जो है बनाई गई है। नहायत ही खूबसूरत मस्जिद है संगे मरमर से मुकम्मल तौर पर ये मस्जिद बनाई गई है। इंशाल्लाह मैं अंदर का विजिट आपको करवाता हूँ चल के क्या सूरत हाल है क्या मामलात हैं। ये हमारे जिला गुजरात की एक बहुत ही खूबसूरत और कदीमी मस्जिद है और यहाँ पर जो है इसका मस्जिद पाक बिग्गा शरीफ का मुकम्मल तौर पर तारफ जो है करवाया गया है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर यहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर जूम करके आपको दिखा सके ये जनाब जिला गुजरात की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। हमारे जिला गुजरात में बहुत सी ऐसी तारीखी जगह हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं अब तक। हालांकि हमारा जो है गुजरात के साथ ही तल्लक है लेकिन यहाँ पर हम पहली बार आए हैं। वो भी किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखकर हमें पता चला कि हमारे गुजरात में भी इतनी खूबसूरत मस्जिद जो है मौजूद है। आप ये मैं इस वक्त मस्जिद के सहन में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि अवाम का यहाँ पर रश है मौजूद है लोग यहाँ पर विजिट के लिए आ रहे हैं। लोग फैमिलियों के साथ आ रहे हैं बच्चों के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर नमाजें पढ़ी जाती हैं नवाफल पढ़े जाते हैं बाकायदा जमात भी यहाँ पर होती है। बहुत ही एक ज़बरदस्त मैनेजमेंट किया गया है यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से। हम आपको आगे चल के दिखाते हैं ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद के कितने खूबसूरत और शानदार गुंबद बनाए गए हैं। पूरे ज़िला गुजरात के अब पूरे पंजाब में इस किस्म की मस्जिद पहले तामीर नहीं हुई। तो ये कदीम मस्जिद है जो यहाँ पर आवाम का रश भी लगा रहता है यहाँ पर विजिट के लिए लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कहाँ से आप आए हैं? गुजरात से जी। तो फैमिली के साथ आए हैं? नहीं जी दोस्तों के साथ भाई के साथ। ठीक हो गया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर? माशाल्लाह जी अल्लाह पाक का बहुत खूबसूरत ये अल्लाह पाक ने ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है तो देख के बड़ी खुशी हुई है बड़ी मेहनत हुई है बड़ी प्यारी है। कि मैंने भाई से पूछा है उन्होंने मुझे बताया जी कि ये चार कनाल में ये जो मस्जिद है टोटल यहाँ का जो रकबा है वो 32 कनाल है माशाल्लाह। ये 2001 में शुरू हुई है और अभी 2024 है तो अभी भी इस पर काम जारी है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है देख के खुश होता है अल्लाह पाक मज़ीद हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें खूबसूरत लोग बनाएँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह लोग इबादत भी करते हैं आके देखते भी हैं खुश भी होते हैं फैमिली के साथ भी लोग आते हैं माशाल्लाह प्यारी है जी। शुक्रिया जनाब। ये हमारे भाई ये भी गुजरात से आए थे दोस्तों के साथ यहाँ पर बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं दोस्तों के साथ यहाँ पर विजिट करने आए थे और उन्होंने बताया कि ये टोटल रकबा जो है 32 किनाल जो इस मस्जिद का इंतजामिया की तरफ से रकबा है वो बनाया गया लेकिन 4 किनाल पर ये मस्जिद जो है ना तामीर की गई है। 2001 में ये तामीर हुई है और अभी भी इसकी तामीर का जो है काम जारी है और तामीरात जारी हैं। ये लोग मस्जिद में नमाजें भी पढ़ रहे हैं और मेरा ये जहन है कि आगे जाकर मैं इन नमाजियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरा कैमरामैन यहीं से आपको व्यू अगर दिखा दे मुकम्मल जो है ना मस्जिद के मेहराब वगैरह मुकम्मल आपको शो कर देता है।
बहुत ही दिलकश और खूबसूरत तरह से ये मस्जिद बनाई गई है। ये हमारे गुजरात में ये एक शाहकार जो है सामने आया है। हम भी एक यूट्यूबर की वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं। हमें भी पहले इल्म नहीं था कि इस तरह की खूबसूरत मस्जिद जो है ना यहाँ पर जिला गुजरात में भी तामीर हुई है। कीरा वाला गांव है। अगर कोई दोस्त भाई विजिट करना चाहे तो मंगवाल से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जो है कीरा वाला गाँव है, तो वहां पर जो है ना यहाँ पर जो मस्जिद है ये तामीर हुई है। अगर कोई आना चाहे फैमिली के साथ तो यहाँ पर जी बहुत खूबसूरत ये आप देख सकते हैं इन्होंने बारी टाइप बनाई हुई है। बहुत ही माशाल्लाह सब मुकम्मल तौर पर संगे मरमर से ये बनी है। ये हम बालकोनी में इस वक्त खड़े हैं। बाहर का नजारा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे यहाँ से, यहाँ पर अभी भी तामीर जो है ना जारी है। बच्चे अपने वालदैन को जी आप देख सकते हैं कि ये तामीर कर रहे हैं लोग और काम जारी है यहाँ पे। चलिए हम अभी आपको बाहर का विजिट कराते हैं। मस्जिद का अंदर तो हमने आपको मुकम्मल दिखा दिया। यकीन करें यहाँ पर दिल खुश हो जाता है। जहनी सुकून, दिली सुकून जो है ना यहाँ पर मिला कर बहुत ही खूबसूरत तर्ज अंदाज से जो है ना ये बनाई गई है। यहाँ पर दीवारों पे कलमात मुबारक लिखे हुए हैं, पुरानी आयात जो है ना यहाँ पर लिखी गई हैं। और हम इस वक्त जो है ना मेन बाहर दरवाजे पे आ गए हैं। यहाँ से आपको मुकम्मल बाहर का विजिट करवाते हैं। मेरा कैमरा मैन अगर ये सारा आपको दिखा सके। जी तो नाजरीन ये हमने आपको मस्जिद पाक मस्जिद के इमाम अली का विजिट करवाया। अगर कोई दोस्त भाई यहाँ पर आना चाहे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, और कुछ ईद पर जो दोस्त भाई विजिट करना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा यहाँ पर जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ ही अपने मेहरबान कर दीजिए। अल्लाह। Thank you.